सर्दी के मौसम में बथुआ खूब आता है और इससे काफी सारी मजेदार मजेदार रेसिपीज भी बनती है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ फूली फूली बथुए की पूरियां और बथुए का रायता। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेहा की पाकशाला में। और चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्टी और मजेदार सी रेसिपी। ये मैंने 250 ग्राम बथुआ लिया है और इसको मैंने 4 से 5 बार अच्छे से धो लिया है। तो पूरियां बनाने के लिए हमें पहले बथुए को बॉईल करना है। उसके लिए पतीले में पानी को हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे, ढक देते हैं इसको जिससे कि जो पानी है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो पानी में उबाल आने लगा है, गैस को करेंगे मीडियम फ्लेम पर और बथुए को डाल देंगे इसमें। पानी में डिप करेंगे बथुए को और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। पत्ते वाली सब्जियां काफी जल्दी बॉईल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है वरना जो इसका कलर है वो ग्रीन से ब्लैक होने लगेगा। तो बहुत ही कम देर के लिए, बस 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे बॉईल करना है। बथुआ बॉईल हो गया है अच्छे से, जो इसकी डंडियां है ना वो देखिए इजिली कट हो रही है। तो अभी गैस को ऑफ कर देंगे। अब बथुए को छन्नी में निकाल लेंगे जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो अभी देखिए बथुआ जो है वो बढ़िया से बॉईल हुआ है और अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैंने इसको इस तरह से खोल दिया था जिसकी वजह से ये जल्दी से ठंडा हो गया है और जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ना इसमें वो पूरा बोल में निकल गया है। तो मिक्सर जार में हम ये बॉईल किए हुए बथुए को डालेंगे, साथ ही में डालेंगे 1/3 कप के बराबर हरा धनिया, 1 टेबल स्पून अदरक और 2 हरी मिर्च डालेंगे। अब बिना पानी के ही इसको ग्राइंड करेंगे। बथुए की प्योरी बना लेनी है हमें। तो ये हमने बथुए को पीस लिया है और एकदम स्मूथ प्योरी बना ली है इसकी। ये मैंने 2.5 कप गेहूं का आटा लिया है, इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून सूजी। सूजी से पूरियां बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बनती है। अब डालेंगे इसमें 1.5 टीस्पून नमक, 2 चुटकी हींग, 1 टीस्पून जीरा और 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे इसमें। मिक्स करेंगे अब सारी चीजों को बढ़िया से। ये जो बथुए की पूरी और रायता है ना, ये बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी होता है। क्योंकि हम बथुए की पूरी और रायता दोनों बना रहे हैं तो आधे से ज्यादा प्योरी जो है ना बथुए की, उसको हम आटे में डाल देंगे और थोड़ी सी प्योरी हम बचा लेंगे रायते के लिए। रायते के लिए बहुत ज्यादा प्योरी की जरूरत नहीं है, तो ये थोड़ी सी बथुए की प्योरी हमने बचा ली है, रायते के लिए इसको हम अलग रख लेते हैं। बथुए की प्योरी को अब हम मिक्स कर लेंगे आटे में अच्छे से। तो बथुए की जो प्योरी हमने आटे में डाली थी उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें टाइट आटा गूंदना है पूरियों के लिए। जब नॉर्मल पूरी हम बनाते हैं तो उसके लिए भी हम टाइट आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इन पूरियों के लिए भी टाइट आटा गूंद करके तैयार करना है। तो आटा जो है हमारा वो बढ़िया से गूंद गया है, बढ़िया टाइट आटा हमने गूंदा है। तो इसको हम ढक करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि आटा बढ़िया से सेट हो जाएगा। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम बथुए का रायता बना लेते हैं। तो रायता बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम एकदम ताज़ा दही लिया है और एकदम सिंपल तरीके से हम ये बथुए का रायता आज बनाएंगे। तो मिक्सर जार ले लेंगे जिसमें कि हमने बथुए की प्यूरी बचा ली है और इसी में हम ये पूरा दही डाल देंगे। ये जो दही लगा हुआ है ना बोल में, इसमें हम 1/4 कप के बराबर पानी डाल करके हिला लेंगे और ये पानी डाल देंगे इसमें। अब बथुए और दही को पहले हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। बथुआ और दही जो है उसको हमने ब्लेंड कर लिया है अच्छे से और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए एकदम परफेक्ट है। तो अभी हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, साथ ही में 1 टीस्पून काला नमक डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं इन सबको अच्छे से। अब ये जो रायता है ना इसको हम बोल में निकाल लेते हैं और अब रायते में डालने के लिए हमें तड़का तैयार करना है। तो पैन में 1 टेबल स्पून तेल डाल करके लो फ्लेम पे गरम करेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून जीरा, थोड़े से करी पत्ते भी डाल देंगे साथ ही में। मिक्स कर लेंगे इन सबको तेल में और बस 1 से 2 सेकंड के लिए इसको पका लेंगे।
तो जो तड़का है वो रेडी हो गया है, तो गैस को अभी हमें ऑफ कर देना है। अब तड़के को हम रायते में डाल देंगे और फटाफट से कवर कर देंगे इसको, जिससे कि तड़के का पूरा फ्लेवर रायते में अच्छे से आ जाएगा। 2 मिनट बाद तड़के को हम मिक्स करेंगे रायते में अच्छे से, और ये हमारा बेहद स्वादिष्ट तड़के वाला रायता बथुए का तैयार हो गया है। इसको हम ढक करके अलग रख देते हैं। अब आटा भी जो है हमारा वो सेट हो चुका है अच्छे से, तो थोड़ा सा ऑयल डालकर आटे को वापस से गूंध लेंगे, जिससे कि आटा चिकना हो जाएगा। और जितने अच्छे से हम आटे को गूंधेंगे ना, पूरियां भी उतनी ही बढ़िया और फूली फूली बनेंगी। तो अभी आटे को भी हमने अच्छे से गूंध लिया है। अब आटे से हमें मीडियम साइज की लोइयां बना लेनी है। अब एक लोई लेंगे और रोल करेंगे इसको अच्छे से, सूखे आटे में लोई को लगा लेंगे और फिर इसको फ्लैट कर लेना है। अब हल्के हाथ से इसको इस तरीके से बेलेंगे। पूरी को बहुत ज्यादा मोटा या पतला नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मल पूरी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको भी बेलना है। तो ये हमने एक पूरी बेल ली है, इसको हम अलग रख लेते हैं। और इसी तरीके से हमें कुछ पूरियां पहले बेल करके रख लेनी है, उसके बाद हम इनको सेकना शुरू करेंगे। पूरियों को सेकने के लिए तेल हमने गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें पूरी डालेंगे और हल्के हाथ से दबाते हुए पूरी को सेकना है। तो अभी देखिए पूरी जो है हमारी कितनी बढ़िया से फूल गई है। तो पलट लेते हैं इसको और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे पूरी को, हल्का हल्का प्रेस करते हुए। पूरी को आप बहुत ज्यादा प्रेशर ना दें, क्योंकि जब पूरी एक तरफ से सिक जाती है तो ऊपर का जो पार्ट होता है ना पूरी का, वो क्रिस्प हो जाता है। तो अगर आप ज्यादा प्रेशर देंगे तो पूरी ऊपर की तरफ से टूट जाएगी। तो जो पूरी है हमारी वो दूसरी तरफ से भी सिक चुकी है, तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। कितनी बढ़िया फूली फूली पूरी बनी है। इसको थाली में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारी पूरियां सेक करके तैयार करनी है। अब सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म पूरी और रायते को। तो पहले हम प्लेट में रायते को सर्व करेंगे और फिर इस तरीके से धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे रायते को। थोड़ा सा मैं इसमें अचार भी रख रही हूँ। अब लास्ट में हम इसमें रखेंगे गर्मा गर्म बथुए की पूरियाँ। तो आप भी इस तरीके से बथुए की पूरी और रायता बना करके ट्राई कीजिए और फिर शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।